अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नज़र। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हजारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी कब्रस्तानें और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया है। इससे पहले बेशुमार बिल पेश किए जा चुके और वो आसानी से कानून भी बन गया, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। खुशी की बात यह है कि इस बार इस बिल को कानून बनने से हम रोक सकते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया तब अपोजिशन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकमेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल कानून बनने से रुक गया है, बल्कि एक छोटा सा पॉज लगा है। अब हम इसे कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है? जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक वोट की कीमत है, उसी तरीके से इस पूरे मामले में हर एक आम आदमी की राय की कीमत है। जब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया गया है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम आदमी से राय मांगी है। जो काम भाजपा सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए थी, जिनके वो दावा करते हैं कि इनके भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है, हकीकत में वो हमारी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में जब आपके सामने एक नोटिस आया हुआ है 13 सितंबर तक आपको अपनी राय देनी है, क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी राय को ईमेल के जरिए, खतों के जरिए, एक डेलीगेशन के जरिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें? हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही टायरिंग है। आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे? हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है, उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक को फॉलो कीजिए और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं। 20 करोड़ में से 50 लाख ये काफ़ी होगा इस बिल को यहीं ख़त्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, ना सिर्फ एक क्लॉज, ना के दो क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। जब JPC ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज की आपत्ति जाहिर की, क्लॉज में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक तारीखी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में लिए बैठे हैं, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाहें और कितनी कब्रस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे।